हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गया हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप प्ले स्टोर में जाके किसी भी ऐप को रिपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं और उसे ऐप को वहाँ से हटा सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों वीडियो को हटाया गया है, आप जानते हैं मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और उस ऐप को यहाँ पे सर्च करना है जिस भी ऐप को आप रिपोर्ट करना चाहते हो। जैसे मैं टिकटॉक को रिपोर्ट करना चाहता हूँ। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि आपको इस ऐप को डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं टिकटॉक को सर्च कर लेता हूँ और दोस्तों सर्च करने के बाद आपके पास टिकटॉक ऐप जो है ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ ऊपर जो है तीन डॉट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए यहाँ पे किसी और ऐप को सर्च करना है। आप टिकटॉक लाइट को भी सर्च कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे टिकटॉक ऐप जो है वो दिख जाएगा। आपको इस पर टच करना है और टच करने के बाद आपके पास यहाँ ऊपर तीन डॉट का ऑप्शन आ जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद आपको तीन डॉट के ऊपर क्लिक करना है। देन का जो सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा उस पर टच करना है। उसके बाद आपके सामने वो सारे रीजन आ जाते हैं जिन रीजन की वजह से आप टिकटॉक को रिपोर्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ से हेटफुल एंड अब्यूज कॉन्टेंट को सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ से किसी भी रीजन को सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। और दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी जो ऐप को है रिपोर्ट यहाँ से कर सकते हो। और दोस्तों, इससे क्या होगा, यदि इस ऐप पर बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं तो दोस्तों इस ऐप को जो है प्ले स्टोर से हटाना होगा, जिस तरह से उस वीडियो को यूट्यूब से हटाया गया था। और यदि आपके पास एक से ज़्यादा जी मेल आई डी है तो आप उन सारी जी मेल आई डी से भी यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में आपको यही बताना था। यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस, मिलेंगे आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।